हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2, पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। और एक्सरसाइज में भी मैं इसी वीडियो में सॉल्व करूंगी, और आप इसका सॉल्यूशन मेरे ब्लॉग पे जाकर भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल्स। सबसे पहले व्हाट आर द पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स एक्चुअल में होता क्या है। तो पॉलीनोमियल इज अ स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल एंड नंबर, जिनको हम स्ट्रिंग है वेरिएबल और नंबर्स की, जिनको हम साथ में लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिख के बताती है। एग्जांपल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये एक स्ट्रिंग है जिसमें वेरिएबल भी है, वेरिएबल इसमें एक्स है और ए बी सी यहाँ पे क्या है, नंबर्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x² प्लस 5x + 4। तो यहाँ पे x क्या हो गया, x इक्वल टू वेरिएबल। तो इस टाइप की इक्वेशंस जो है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल। तो x यहाँ पे वेरिएबल हो गया और a b c यहाँ पे क्या हो गए, नंबर्स। ओके, नाउ ये तो हमने पॉलीनोमियल लिखने का तरीका हो गया, ये क्या है, बट एक्चुअल में पॉलीनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी हम लेट के कोई एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 5x³ माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 2, दिस इज अ पॉलीनोमियल। ओके, तो ये एक पॉलीनोमियल है। जैसे इसको हम एक इंग्लिश के एक सेंटेंस से कंपेयर करते हैं, पॉलीनोमियल लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज रश्मि, माई नेम इज रश्मि। ओके, तो ये यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक वर्ड को समझ, इस सेंटेंस को समझने के लिए दो वर्ड के बीच में स्पेस होता है। जैसे ये माय और नेम के बीच में स्पेस है, नेम और इज के बीच में स्पेस है, और इज और रश्मि के बीच में स्पेस है। तो वैसे ही यहाँ पे ये पॉलीनोमियल्स को यहाँ पे जो सेपरेट कर रहा है वो क्या है, साइन, माइनस प्लस प्लस। तो ये जो पॉलीनोमियल है, तो ये माइनस प्लस प्लस, ये यहाँ पे क्या है, जैसे स्पेसेस होते हैं ना इंग्लिश के अंदर, वैसे ये पॉलीनोमियल के बीच में स्पेसेस होती है जिनको हम माइनस प्लस इससे डिनोट राइट करते हैं। ओके, नाउ अब ये देखो 5x³, जैसे यहाँ पे वर्ड है, माई इज वर्ड, नेम इज रश्मि वर्ड है, वैसे इनको हम क्या कहते हैं, टर्म है। ये सब क्या है यहाँ पे, टर्म। तो यहाँ पॉलीनोमियल किससे बनते हैं, टर्म से। जैसे यहाँ पे है 4 टर्म है, 5x³, 4x² ये x, 2, ये सारी यहाँ पे क्या है, टर्म है। और इन टर्म के बीच को सेपरेट करने के लिए बीच में हमारे यहाँ पे क्या है, साइन से, पॉजिटिव नेगेटिव दो ही होंगे टर्म को डिफरेंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये यहाँ पे 4 टर्म है और इनको हम इसमें हम वर्ड से राइट करते हैं और यहाँ पे हम टर्म से राइट करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। अब एक्चुअल में अब इसका मतलब क्या है, ये पॉलीनोमियल में इस पूरे का क्या मतलब है। तो कोई भी एक टर्म ले लेते हैं, जैसे कि 5x³ ले लिया। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कॉफिशियंट है उसको क्या हम क्या बोलते हैं, नंबर जो है, नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉफिशियंट। इसको हम बोलते हैं किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट, कॉफिशियंट। ओके, नाउ ये एक्स यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल, वेरिएबल। तो यहाँ पे ये पॉलीनोमियल को लिखने का तरीका है। और ये जो पावर होती है हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ये हमारा होता है एक्सपोनेंट। ओके, तो किसी भी टर्म को लिखने के लिए ये 3 जरूरी है, कॉफिशियंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट। ओके, तो एवरी टर्म के लिए 3 थिंग्स होती है, कॉफिशियंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं इन तीनों की क्या क्या कंडीशन होती है, मतलब कॉफिशियंट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, एक्सपोनेंट क्या क्या हो सकता है, क्योंकि पॉलीनोमियल में सबसे पहले टर्म ही आएगी, टर्म से ही पॉलीनोमियल बनेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कंडीशन फॉर कॉफिशियंट। नाउ कंडीशन फॉर कॉफिशियंट, तो कॉफिशियंट की क्या कंडीशन होती है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो कॉफिशियंट में कोई भी आप यहाँ पे जो भी कॉफिशियंट होगा, एनी रियल नंबर आप ले सकते हो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये यहाँ पे कोई भी एनी रियल नंबर कुड बी अ कॉफिशियंट। तो हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे इसके कॉफिशियंट पे लिख सकते हैं। नाउ सेकंड है वेरिएबल की क्या कंडीशन होगी, तो वेरिएबल हमारा A to Z में से कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो एनी, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, तो नो लिमिट ऑन द वेरिएबल।
कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी और कितने भी, नो लिमिट ऑन द वेरिएबल, ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं पॉलीनोमियल में. यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है हम, 2, 3, 4, 5, 6, कोई लिमिट नहीं है. यहाँ पे हम 5x³ - 4y² z कोई भी ले सकते हैं. सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन होगी तो एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल में होगी तो दो होंगे, xy 3 होगी तो 3 होंगे. तो यहाँ पे वेरिएबल की भी कोई लिमिट नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट के लिए यहाँ पे लिमिट है कि एक्सपोनेंट मीन्स की जो पावर है वो क्या क्या हो सकती है. तो पावर आपकी यहाँ पे कोई भी होल नंबर होगा, वो यहाँ पे नेगेटिव पावर नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी. तो जो भी यहाँ पे पावर होगी वो आपकी क्या होगी, होल नंबर. तो एक्सपोनेंट के लिए ये एक्सपोनेंट के लिए कंडीशन है कि वो हैज टू बी अ होल नंबर, मीन्स कि वो 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी. ओके तो सिर्फ इसी के लिए एक यहाँ पे कंडीशन है कि एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. जैसे कि अगर मैंने जैसे यहाँ एक्स रूट एक्स ले लिया, ठीक है, अब ये पॉलीनोमियल है या नहीं है, तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी होगी, रूट का मतलब क्या हो गया, 1/2, तो दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल, क्योंकि यहाँ पे पावर 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 अप टू, तो ये यहाँ पे पॉलीनोमियल नहीं है. ओके नाउ अब इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने तरीके पॉलिनॉमियल होते हैं. तो टर्म के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे 4 टर्म है, और सिर्फ सिंगल टर्म होगी, जैसे लेट 5x³ भी हुआ तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं. सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म यहाँ पे ट्राइनोमियल. तो ऐसे यहाँ पे सिंगल टर्म के लिए मोनोमियल, 2 के लिए बाइनोमियल और 3 के लिए ट्राइनोमियल. ये तो होगी टर्म के अकॉर्डिंग डेफिनेशन. नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले डिग्री क्या होती है. अब जैसे कोई भी हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा है, उसमें वेरिएबल चाहे कितने भी हो, लेकिन जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, जो जिसकी भी यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा पावर में, वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री. जैसे ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये वाला, इसमें एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है. कॉन्स्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0, तो ये यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये डिग्री 2 का हो जाएगा. नाउ यहाँ पे 3, 2, यहाँ डिग्री 1 और यहाँ पे एक्स पावर 0, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 3. तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल. तो डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 टाइप की इक्वेशन बनेगी. तो फर्स्ट लीनियर, अगर अगर डिग्री, इफ इक्वेशन हैज डिग्री 1, 1 डिग्री की इक्वेशन अगर होगी तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, डिग्री, इफ डिग्री 1, तो इक्वेशन क्या कहलाएगी हमारी, लीनियर, लीनियर इक्वेशन. जैसे कि एक्स प्लस 5, ये एग्जाम्पल, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन. और अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, 2x² + 5x + 4. और थर्ड डिग्री 3 के लिए हमारा यहाँ हो जाएगा डिग्री, अगर डिग्री 3 है तो वो हमारी इक्वेशन होगी क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन. तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, x³ + x² + 4, हाईएस्ट डिग्री उसकी कितनी होगी, 3. नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन के अंदर कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. ना डिग्री के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन देख लिया, ये सारे इस तरह से हमारे पॉलिनोमियल बनेंगे. नाउ अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0. जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन देखती हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 कब होगी, जब हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, -5. तो लीनियर इक्वेशन के लिए यहाँ इस इक्वेशन का अगर 0 देखते हैं तो यहाँ पे -5 पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0. तो उस किसी भी इक्वेशन की वो वैल्यू जहाँ पे वो इक्वेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेती है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द
पॉलिनोमियल बिकम जीरो. ओके, तो जैसे लीनियर इक्वेशन में आपको यहाँ बताया -5, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के जीरो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हिट एंड टनल मेथड लगा के सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे हमें वो नहीं फाइंड करना है, तो सिर्फ हमें यहाँ पे जीरो देखना है, क्योंकि इक्वेशन जो 2.1 है वहां पे आपको ग्राफ गिवन है, उसमें से आपको जीरोस बताने कि इस ग्राफ के कितने जीरोस है. तो अब हम ग्राफ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करके या ग्राफिकल सॉल्व करके हम देखते हैं कि उसकी ग्राफ से हम कैसे बता सकते हैं कि कितने जीरोस किसी इक्वेशन के होंगे. तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल, नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या बेसिकली हाउ मेनी जीरोस. इसका मतलब ये भी, इससे हम ये भी पता कर देंगे कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फॉर, तो हम इसको ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं. फॉर लीनियर इक्वेशन प्रूफ के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक इक्वेशन हमने लिया, लेट की y इक्वल टू 3x माइनस, y कितना है, y इक्वल टू 3x माइनस 6. तो जो अब हमें इसका क्या करना है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसलिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम टेबल बना लेते हैं, जिसकी हम जिससे हम यहाँ पे वैल्यू प्लॉट करने के लिए, ग्राफ में वैल्यू प्लॉट करने के लिए हमें नंबर्स चाहिए. तो एक x ले लिया, एक y ले लिया. अब यहाँ इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखते हैं. व्हेन x जीरो, जब अगर हमने x को जीरो रख दिया तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 × 0 माइनस 6. तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 6, तो ये माइनस 6 आ गया. ओके, व्हेन x इक्वल टू 1, अब हम 1 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया व्हेन x इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 × 1 माइनस 6, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 माइनस 6, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 3 हो गया, क्योंकि 3 माइनस 6 माइनस 3, तो ये यहाँ पे माइनस 3 हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर y इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन में हमें दो पॉइंट चाहिए होते, इनफ होते, एक x इक्वल टू 0 लो, एक y इक्वल टू 0. जब y 0 हो गया तो व्हेन y इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 0 इक्वल टू 3x माइनस का क्या हो गया, 6. नाउ उसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 को उधर ट्रांसफर किया, 6 इक्वल टू 3x, दिस इम्प्लाइज 6/3 इक्वल टू एक्स, तो दिस इम्प्लाइज 3 से कैंसिल 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2, तो y 0, तो x कितना हो गया 2. नाउ हम इस वैल्यू को प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ के अंदर, ये जो हमारी टेबल आई है. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू कितनी है, x 0 y माइनस 6, तो ये यहाँ पे पुट किया x 0 और y माइनस 6, तो ये यहाँ पे एक्स जीरो, एक्स एक्सिस पे सारे वाई एक्सिस पे सारे एक्स जीरो होते हैं और एक्स एक्सिस पे सारे वाई जीरो. तो यहाँ पे एक्स तो हमारा जीरो और वाई कितना है, माइनस 6, तो ये पॉइंट हमें मिल गया, एक्स जीरो वाई माइनस 6. नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, 1x1 वाई माइनस 3, एक्स वन और y माइनस सॉरी एक्स इज 1 और y इज माइनस 3, तो ये रहा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है एक्स वन वाई इज माइनस 3. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स टू वाई जीरो, नेक्स्ट पॉइंट इज आर एक्स टू, ये एक्स टू वाई जीरो. तो यहाँ हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करके देख, ओके, नाउ इन तीनों पॉइंट्स का हम ज्वाइन करके देखते हैं. ये लीनियर इक्वेशन के लिए सिर्फ दो पॉइंट इनफ होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ग्राफ के थ्रू हम जीरोस पता कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग जब भी, क्योंकि इक्वेशन हमारी किसके इक्वल थी, इक्वेशन हमारी यहाँ वाई के इक्वल थी ना, ये वाई इक्वल टू 3x माइनस 6, मतलब वेरिएबल की इक्वेशन एक्स की फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन ग्राफ को जहां भी एक्स पॉइंट पे कट करेगी वो ही उसका क्या कहलाएगा, जीरोस. तो एक्स इक्वल टू 2, ये यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट रही है, एक्स एक्सिस है ये, और ये एक्स डैश और ये पूरी वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स को जहां पे भी कट करेगी वो पॉइंट हमारा क्या होगा, उसका जीरोस होगा. तो एक्चुअल में जहां पे भी एक्स एक्सिस पे ये कट करेगी एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वो उसका क्या कहलाएगा, जीरोस. तो ये देखो ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राफ, जहां पे भी वो एक्स को इंटर एक्सिस को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, जीरो। तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो लीनियर इक्वेशन का एक ही जीरो होगा। तो हमें सिर्फ अभी यही यहाँ पे ये देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही जीरो होगा। नाउ हम नेक्स्ट लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ इज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड इज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट ये रियल टाइप एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x-4, इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं। एक्स एंड वाई, तो सबसे पहले वाला पॉइंट हम यही रखते हैं एक्स जीरो, तो एक्स जीरो रखा तो वाई कितना आ गया हमारा यहाँ पे -4, क्योंकि ये भी जीरो ये भी जीरो। एक्स जीरो व्हेन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 0² -3 × 0 -4, तो दिस इम्प्लाइज वाई कितना हो गया हमारा यहाँ जीरो। ऐसे आपको इसको सॉल्व करके देखना है। अब नेक्स्ट मैंने एक्स इक्वल टू वन रखा, वन रखा तो ये वन -3 -4 हो गया, -3 -4 -7 हो गया, और -7 + 1 कितना हो गया -6। तो ये दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। नेक्स्ट अगर हम एक्स -1 रखते हैं तो ये +1 हो जाएगा, ये प्लस, तो 4 -4 y 0। ओके, नाउ एक्स अगर हम -2 रखते हैं, एक्स अगर हम -2 रखोगे तो -2² + 4, और ये +6 हो जाएगा, 10 10 - 4 यहाँ पे 6 हो गया। नेक्स्ट हम एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 4 रखा तो ये 4² हो गया 8, सॉरी 4² हो गया 16। यहाँ पे अगर एक्स इक्वल टू हमने 4 लिया है तो दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 4² 16 -4 × 3 = -4, तो ये हो गया 0, 16 - 16 हो गया, तो ये हो गया हमारा 0। लास्ट एक और ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हो गया 5² 25 - 5 × 3 = 15 - 4, तो 15 19, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 6, 25 - 19 6। नाउ अब हमें इस पॉइंट को हम प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ पेपर के अंदर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्स जीरो वाई -4। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम यही पॉइंट प्लॉट करते हैं, एक्स जीरो और वाई -4, तो ये रहा हमारा पॉइंट एक्स जीरो, ये रहा एक्स जीरो वाई -4। नेक्स्ट इज एक्स वन वाई -6, एक्स वन वाई -6, एक्स वन वाई -6, तो ये रहा हमारा पॉइंट एक्स वन वाई, ये रहा एक्स वन वाई -6। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स -1 वाई 0, एक्स -1 वाई 0, तो ये इसी के ऊपर आएगा पॉइंट एक्स -1 वाई 0, एक्स -1 वाई 0। नेक्स्ट इज -2, एक्स इज -2 और वाई 6, एक्स इज -2 और वाई 6, तो ये हमारा पॉइंट हमें मिला यहाँ पे, एक्स इज -2 एंड -2 एंड 6। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स इज 4 y 0, तो ये हमारा पॉइंट हो गया एक्स इज 4 y 0, और लास्ट पॉइंट इज x 5 y 6, तो x 5 और y 5, 4 0 हमारा पॉइंट ये, एक्स इज 5 y 6। नाउ हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमें मिले। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये -1 0 दिस वन, सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन किया और इस तरीके से ग्राफ बना, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये हमारा पॉइंट है, तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बना। अब आप यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसमें देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है तो एक्स में देखना है, एक्स पॉइंट देखना है, तो
ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करिए, -1 0 पे और 4 0 पे, तो ये इसके ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 0s होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन का तो एक ही 0s होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 0s होंगे, मिनिमम उसमें 2 भी हो, मिनिमम 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 0s क्या होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 0s होंगे। तो आप यहाँ पे देखो इतने सारे ग्राफ तो मैं नहीं बना रही हूँ, मैं आपको यहाँ गिवन है वो आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ये देखो एनसीईआरटी में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने तरीके से ग्राफ बन सकते हैं। आप यहाँ पे देखो ये एक पैराबोला है, ये जो अभी हमने ग्राफ बनाया वो भी क्या है हमारा पैराबोला ही है, ये ओपन अपवर्ड पैराबोला इसी टाइप से होता है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये हमने जो भी ग्राफ बनाया ना, ये इस टाइप का हमारा ग्राफ, ये भी टू एक्सिस टू पॉइंट पे कट करा, एक ए पे एक ए डैश पे, और ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये ए की वैल्यू पर डिपेंड करता है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है ना उस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पे। फिर ये अगेन ये डाउनवर्ड है, ये भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भी इस तरह का से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ये दोनों बन सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, और ये वाला डाउनवर्ड है, और ये भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ से कितने जीरोस मिल रहे हैं, ओनली 1 0, यहाँ से सिर्फ ओनली 1 0। अब यहाँ पे देखो ये 9 0, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड के ग्राफ है, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे 9 0, जब ये नहीं टच कर रहा है तो 9 0, और ये डाउनवर्ड में भी टच नहीं कर रहा है तो 9 0। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं, और उससे कम 1 0 भी हो सकता है, और 9 0 भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो लास्ट इज, और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 फॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी हम ग्राफ देख लेते हैं। नाउ फॉर थर्ड पार्ट इज फॉर क्यूबिक इक्वेशन के लिए, क्यूबिक इक्वेशन भी हम ले लेते हैं। लेट क्यूबिक इक्वेशन इज वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। नाउ इसको भी हम टेबल बना लेते हैं, इसका भी एक्स वाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स 0, तो वाई भी एक्स 0 ले ले, तो ये दोनों 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। एक्स अगर 1 लिया, व्हेन एक्स 1 लिया तो 1 माइनस 4 -3 हो जाएगा, एक्स -1 लिया तो -1 -1, और ये +4 हो गया, तो ये आपका यहाँ पे +3 हो जाएगा। फिर हमने एक्स 2 लिया तो 8 माइनस 8 0 हो गया, और लास्ट एक्स अगर -2 लिया है, -2 का क्यूब -8, और ये यहाँ पे हो गया +8, तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि दो वैल्यू पे वाई क्या हो रही है, 0। तो यहाँ देखो ये अगर हमने +2 लिया है तो 8 माइनस 8 हो गया 0, और -2 लिया तो -8 + 8 0। ओके, नाउ इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करके देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसे बनता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, दोनों 0 0, तो ओरिजिन पे आएगा फर्स्ट वाला हमारा, तो फर्स्ट वाला हम ओरिजिन पे ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ये यहाँ पे 0 0, जहाँ पे दोनों 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 माइनस 3, एक्स 1 वाई -3, तो ये हमारा पॉइंट है एक्स वन वाई -3। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स -1 और वाई 3, एक्स -1 और वाई 3, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक्स इज -1 वाई इज 3। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स 2 वाई 0, ये हमारा यहाँ हो गया एक्स 2 वाई 0, और नेक्स्ट इज एक्स -2 वाई 0, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ हो गया एक्स -2 वाई 0। नाउ हमें जैसे हमने प्लॉट किया उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको ज्वाइन करना पॉइंट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से -2 0 ना, ये ग्राफ ये यहाँ जैसे जैसे हमारे पॉइंट्स हैं हमें वैसे ही इसको ड्रॉ करना है, ये फिर यहाँ, और नेक्स्ट फिर पॉइंट हमारा है यहाँ, तो इस टाइप से थोड़ा सा ग्राफ लाइन सही नहीं बनी है, पर आप यहाँ पे देखते हो इस टाइप से इसका क्या बनेगा ग्राफ।
तो ये ग्राफ, अब ये ग्राफ क्यूबिक इक्वेशन का, देखो क्यूब को इस एक्स एक्सिस को कहाँ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 3, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2, 1, 0। 3 से लेस होल नंबर लेना है, तो एटमोस्ट 0 उसके 3 होंगे, मैक्सिमम 0 3 होंगे, लेकिन उससे मिनिमम 0 यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 नहीं हो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखो, मैं इसके ग्राफ बता देती हूँ, ये इसका ग्राफ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये इक्वेशन है ना वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब एक्स 1 तो वाई भी 1 हो जाएगा, एक्स 2 तो वाई 8 हो जाएगा, और एक्स माइनस 1 तो वाई भी -1। तो ये देखो, आपने इसका ग्राफ जब इसमें प्लॉट किया तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे ओरिजिन पे। तो ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन इसका ग्राफ सॉल्यूशन जीरोस कितने हैं इसके, सिर्फ एक ही जीरो। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, जो ये वाला ग्राफ है, इसकी इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब यहाँ पे प्लॉट किया है, तो ये देखो एक पॉइंट तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक पॉइंट ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे भी कितने जीरोस हो गए इसके, 2 जीरोस हो गए, बट इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्यूबिक है, क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी, 3। तो ये आपका एक जीरो हो गया, ये 2 जीरो हो गया, और नो जीरो भी इसकी कंडीशन होगी। नाउ हम अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स, आर पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल इन एक्स, आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करना है, पॉलिनोमियल हमारा एक्स के साथ है, मतलब पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो एक्स वेरिएबल में है। तो हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी ग्राफ कट कर रहा है, उतने ही जीरोस यहाँ पे होंगे। ये जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा, इसमें ये लाइन, ये ग्राफ, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, बट ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ना टच कर रही है ना कट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा, देर आर नो जीरोस। ओके, एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट करिए, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखो, ये वाला ग्राफ थर्ड पार्ट, वन वन पॉइंट इज हेयर, सेकेंड इज हेयर, थर्ड इज हेयर। तो 3 पॉइंट पे कट करा, तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस, बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। नाउ इन द ग्राफ फोर्थ पार्ट, दिस ग्राफ कर्व्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। तो यहाँ पे 2 जीरोस, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। नाउ इन दिस ग्राफ फिफ्थ पार्ट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, टोटल 4 जीरोस, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। नाउ इन दिस, टच कर रहा हो या कट कर रहा हो तभी वो उसका जीरोस होगा। जैसे यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सिर्फ टच कर रहा था, टच तो यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे देखो, ये सिर्फ टच कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, जीरोस, या तो इंटरसेक्ट करे या टच करे वो उसका जीरोस बन जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, 3 पॉइंट से। तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 जीरोस, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस है 3 पॉइंट। तो ये टच करना या इंटरसेक्ट करना, ये इंटरसेक्ट करना होता है, ये ग्राफ है यहाँ पे, ये सारा एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करना मीन्स कट करना, और ये फिर क्या हो गया, टच करना। आई होप आपको पूरा ये पार्ट 2.1 पूरी एक्सरसाइज आपको ये वाली समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में पूरा एनसीईआरटी सिलेबस पूरा कराने वाली हूँ। थैंक यू।